सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिले के हरियरगंज व पिपरा प्रखंड क्षेत्र के पैक्स अध्यक्षों ने हरियरगंज व्यापार मंडल में शनिवार को बैठक की। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि हरियरगंज व पिपरा प्रखंड के कई पैक्स अध्यक्षों द्वारा खाद लाइसेंस नवीकरण करने के लिए चालान के साथ आवेदन जिला में विभाग के पास जमा किया गया था, बावजूद इसके अभी तक लाइसेंस निर्गत नहीं की गई। हरियरगंज पूर्वी नोडल पैक्स के अध्यक्ष अमलेश कुमार सिंह ने कहा कि खाद लाइसेंस निर्गत नहीं होने से खाद का उठाव नहीं किया गया, जिस कारण हरियरगंज व पिपरा प्रखंड के किसानों को खाद के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। साथ ही बताया गया कि विभागीय अधिकारियों से कई बार संपर्क किया गया, लेकिन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण अभी तक खाद लाइसेंस का नवीकरण नहीं किया गया। खाद के कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों द्वारा अधिक कीमत पर किसानों को खाद धड़ल्ले से बिक्री की जा रही है। क्षेत्र के किसान पैक्स अध्यक्ष से खाद की मांग कर रहे हैं, लेकिन पैक्स में खाद उपलब्ध नहीं है। उपस्थित पैक्स अध्यक्षों ने सरकार से जल्द खाद उर्वरक लाइसेंस को नवीनीकरण करने की मांग की है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस वर्ष समय से अच्छी बारिश होने से किसान समय पर धान बीज सहित अन्य फसलों की बुआई की है। खाद उर्वरक नहीं मिलने से किसान परेशान है। मांग करने वालों में पैक्स अध्यक्ष कमलेश कुमार सिंह, अर्जुन गुप्ता, अभय सिंह, धनंजय सिंह, मनोज कुमार सिंह, अरुण सिंह, प्रिंस सिंह, भैरव सिंह इत्यादि का नाम शामिल है। हरियरगंज से प्रदीप मेहता की रिपोर्ट। ये हम लोग तो धान बीज का वितरण कर चुके हैं, खाद के लिए नवीनीकरण के लिए हम लोग जिला कृषि अधिकारी के यहाँ साल भर से दिया हुआ है, जो कि लाइसेंस हम लोग का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है। और किसान लोग अच्छे मौसम होने के कारण खाद के लिए घूम रहे हैं पैक्स में, इसलिए हमने सरकार से आग्रह है कि हम लोग खाद का लाइसेंस नवीनीकरण कराया जाए। हम लोग पैक्स में जिससे पैक्स में खाद का उठाव हो सके और किसान को उचित समय पर मिल सके।